विपक्ष की भूमिका निभाते हुए दिल्ली के अंदर किस प्रकार से पर्यावरण की स्थिति और बद से बदतर होती जा रही है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आप सब लोगों को ये एक छोटा सा नोट मेरे ख्याल से मिल गया होगा, इसमें मैं इस नोट पे आपको एक एक करके लेकर के जाऊंगा। और आपको पता है कि इस साल का हमारे यहाँ पे हमारे देश में हम लोग ग्लोबल होस्ट हैं। इस साल का विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में और बीट प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करने के बारे में हम सब लोगों का संकल्प है और भारत इसके अंदर इसका होस्ट है और इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश के अंदर लगभग 56 लाख टन जो है प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है और दिल्ली इस प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करने के अंदर हमारे देश में सबसे अग्रणी शहरों में से एक है। 2009 के अंदर प्लास्टिक बैग्स हमारी सरकार ने कानून के द्वारा बैन कर दिया था और उसके बाद में फिर दोबारा से इसको सारी की सारी प्लास्टिक पैकेजिंग और सिंगल यूज डिस्पोजेबल बैग के ऊपर एक्सटेंड कर दिया गया। और हम लोग देखते हैं कि दिल्ली के अंदर इसको अभी भी इसको एनफोर्स नहीं किया जाता है। प्लास्टिक के बैग्स का इस्तेमाल अभी भी भरपूर होता है तो हम सरकार से कहेंगे कि इसके ऊपर प्लास्टिक के यूज के ऊपर दोनों सरकारों से कहेंगे कि जनरेशन के जगह के ऊपर और उपयोग की जगह के ऊपर जहां पर ये प्रोड्यूस होता है और जहां पर उपयोग होता है दोनों जगह के ऊपर और सख्ती इसके ऊपर लागू की जानी चाहिए। और अब खुद जब भारत होस्ट है बीट द प्लास्टिक मुहिम का और विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर हम लोग खुद इस मसले को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं तो हम लोगों को लेकर के इसके ऊपर खुद दोनों सरकारों को आगे बढ़ करके इसके ऊपर और संजीदगी से काम करना होगा।